Good afternoon, students. How are you all? I think you all would have been fine. My today's topic is the postman. So let's start. But before starting my topic, you all should have to promise that after seeing this video, you will definitely like, subscribe, and share my video as much as possible. So let's start. A postman is an important public servant. एक डाकिया जो होता है हमारे जीवन में लोक सेवक का काम करता है, हमारे देश में लोक सेवक का काम करता है. He is very helpful to us. वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है. He wears a khaki uniform. वह हमेशा खाकी यूनिफॉर्म पहनता है. He carries a bundle of letters. वह चिट्ठियों के ढेर सारे बंडल लेके डोर टू डोर आते जाते रहते हैं. He delivers the letter from door to door. और वह जितनी भी चिट्ठियाँ हैं सब डोर टू डोर जाके हर एक के घर पे जाके पोस्ट मतलब दे देते हैं. जिनके नाम से जिसका आता है वो उनके नाम घर पे अच्छे से मतलब पहुंचा दिया जाता है. He delivers the letter from door to door. घर घर जाके उनका काम है कि चिट्ठियों को दे देना. Everybody waits for him. वो लोग जिनके घर पे चिट्ठियाँ आती हैं पोस्टमैन के जरिए वो उनका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. Sometimes he brings happy news. कभी कभी डाकिया खुशखबरी लेके आता है. And sometimes sad news. और कभी कभी डाकिया जो है दुख खबरी लेके आता है. दुख खबरी मीन्स सैड न्यूज मीन्स बुरी खबर. His life is hard. उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भरा रहता है. रेन और शाइन, चाहे बारिश हो या धूप हो या कोई सा भी मौसम हो या कैसा भी मौसम हो, ही हैज़ टू डू हिज ड्यूटी. उनको अपनी ड्यूटी करनी ही होती है. ही इज़ वेरी ड्यूटीफुल. वह बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी होते हैं. ही वर्क्स ऑनेस्टली. वो लोग ईमानदारी से काम करते हैं. We should be kind to him. हमें उनके प्रति दया भावना रखनी चाहिए, उनके प्रति दयालु रहना चाहिए, उनके प्रति हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और उनसे हमें घुल मिल कर रहना चाहिए ताकि वो लोग खुश होकर अपना कार्य करें और देश की प्रगति में साथ दें. और हमें भी अपना योगदान देना चाहिए ताकि हम भी आगे जाके जागरूक नागरिक बने. धन्यवाद. थैंक यू. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ पोस्टमैन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. दैट नेम इज डियर इंग्लिश. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.